वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीत पांडे, इंडियन ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी आई थी छत पे, तो आज सोचा थोड़ा किचन की सफाई कर लें। ये दिवाली से पहले का ब्लॉग है जो कि मैं अभी नहीं डाल पाई थी, और मैंने मेरे किचन का मेकओवर कैसे किया है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो मैं भी आई थी छत पे दाल डालने के लिए, भी डाल दिए। काफ़ी अच्छी धूप निकली है क्योंकि बरसात में बहुत सामान ख़राब हो जाता है, तो मैंने कहा अभी धूप बहुत अच्छे से निकली हुई है तो इनको धूप लगा देती हूँ दाल को। तो बस वही डालने के लिए छत पे आई थी। और ये मूंग की और उड़द की दाल है जो कि बरसात की वजह से थोड़ी सील गई है, तो मैंने कहा अगर धूप लगा देती हूँ तो ये दाल अच्छे से हो जाएगी और फिर 2-3 महीने तक कोई इसमें दिक्कत भी नहीं होगी। वैसे मैं इनमें दवाई डाल देती हूँ तो उसकी वजह से दाल ख़राब नहीं होती है, लेकिन बरसात के मौसम में आप सभी जानते हो कि दालें में सीलन आ जाती है। और ये हमारे घर के नीचे का व्यू है जो कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मैं बस ऊपर खड़ी थी तो बस आप लोगों के लिए इन सब का वीडियो बना रही थी। और आप लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और अब कोशिश करूँगी आज से मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी आपके साथ, हर रोज़ अपना एक ब्लॉग शेयर करूँगी। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही हम मोटिवेट होंगे और अपने चैनल पर कंटिन्यू आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। आई नो, मैं जानती हूँ कि मैं रेगुलर नहीं रह पाती हूँ YouTube पर, लेकिन कोशिश अब मेरी यही रहेगी कि मैं YouTube पे अपने वीडियो डेली अपलोड करूँ ताकि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। तो बस ये दाल मैंने थोड़ी हाथों से इनको कर देती हूँ ताकि इनमें धूप अच्छे से लग जाए, और धूप काफ़ी तेज़ है तो दाल भी अच्छे से सूख जाएगी। अगर रहा तो थोड़ा कलर डाल दूँगी इसको तो ये ठीक से हो जाएगी। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे, और ये देखिए मेरे सारे मसाले हो गए हैं ख़राब जिनको मैं अभी फेंक दूंगी। तो मैं देख रही थी कि अगर ठीक होंगे तो रखूंगी, नहीं तो फेंक दूंगी। तो ये सभी बेकार हो गए हैं तो मैं इनको फेंक देती हूँ बरसात में ये रखे। और ये देखिए मैंने स्टील के सारे बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। आई होप कि आपको देखने में लग रहे होंगे एकदम नए से लग रहे हैं ना। स्टील इसीलिए बेटर होती है प्लास्टिक से कि इनको अगर अच्छे से आपने साफ़ कर दिया है तो किचन एक अलग ही लुक देती है। तो मैंने ये सारे धो के इनको धूप लगा दी थी, फिर नीचे ला के, मतलब अभी इनको धूप लगाना है मेरे को, अभी तो मैंने धो के ही सारे पोंछ के टेबल पे लगा दिए हैं, फिर इनमें थोड़ी धूप लगा दूंगी। उसके बाद अभी किचन में कुछ बर्तन अभी मतलब प्लास्टिक के डिब्बे रखे हैं जो कि मुझे धोने हैं। कोशिश मेरी यही है कि मैं अपने किचन में टोटली स्टील यूज़ करूँ। तो चलिए पहले किचन अपनी क्लीन कर लेते हैं। और मैंने अपने किचन का जो मेकओवर किया है उसमें ज़्यादा कुछ भी पैसे नहीं लगाए हैं, सिर्फ मेरी मेहनत है। और अगर मेरी मेहनत थोड़ी सी आपको दिख जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, मतलब मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे वीडियो पे कमेंट्स करना, और जो भी आप इसमें सुधार लाना चाहते हैं वो भी आप बताइएगा। तो देखिए इतने सारे डिब्बे हैं प्लास्टिक के जो कि मेरे को साफ़ करने हैं, और यही दिक्कत होती है प्लास्टिक के डिब्बे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, मतलब गंदे हो जाते हैं। स्टील के डिब्बे आप एक बार अच्छे से साफ़ कर दीजिए तो काफ़ी टाइम तक चलते रहते हैं। और चलिए इनको साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो देखिए सारे मेरे डिब्बे अच्छे से क्लीन हो गए हैं, तो इनको पहुँच के मैं धूप लगा दूँगी। और वीडियो में प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए ये सारे डिब्बे मैंने धूप लगा दिए। नेक्स्ट डे का वीडियो है, उस दिन मैं आगे कैप्चर नहीं कर पाई थी तो ये नेक्स्ट डे का है। अभी ये सिर्फ ऊपर के डिब्बे मैंने क्लीन कर के लगा दिए हैं, अभी मैं सामान नहीं डालना है। और तो अभी मैंने धूप वाले इनको रख दिया है। तो चलिए अब यहाँ से मेरी किचन की होती है स्टार्टिंग। ये मेरा बाहर वाला रूम है जिससे अटैची हमारी किचन है, और जैसे कि आप सबको पता ही मेरा रेंटेड हाउस है, मेरा खुद का नहीं है। तो अभी हम लोग, हमें 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, हम लोग लखनऊ शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ से हमारी किचन स्टार्ट होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमने अपनी किचन को कैसे दिवाली पे अच्छे से क्लीन किया है।
तो ये थोड़ा सा बाहर का व्यू है हमारे किचन के बाहर का। तो यहाँ से हमारी किचन स्टार्ट होती है, और थोड़ी सी भी अगर आपको हमारी किचन में मेहनत दिखी हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने मेहनत की है, तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और कोई अगर मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ उसको भी बताइएगा। जब आप बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हम मिस्टेक कहाँ करते हैं। तो चलिएगा आपको किचन टूर कराते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने जितने भी स्टील के डिब्बे हैं वो सब हमने लगा दिए हैं। एक स्लिप इसके ऊपर भी है, लेकिन हम वहाँ पर हाथ हमारा नहीं पहुँचता है, तो हमने क्या किया है, स्टील के जितने भी डिब्बे हैं वो नीचे वाली स्लिप पे लगा दिए हैं। ऊपर वाली स्लिप पे हमने सिर्फ वो डिब्बे रखे हैं जो हम ज़्यादा यूज़ में नहीं लेते हैं। और ये हमारा बर्तन स्टैंड है, क्योंकि हमारी किचन में दोनों साइड ही काफ़ी बड़ी विंडो लगी हुई हैं, तो उसकी वजह से हमें अपना बर्तन का स्टैंड है जो कि स्लिप पे रखना पड़ा, क्योंकि जंगले पे हम लगा नहीं सकते, विंडो काफ़ी बड़े हैं उनमें हम लगा नहीं सकते हैं। और ये हमारा 3 लेयर का स्टैंड रखा हुआ है जिस पे मैंने छोटे छोटे जो आइटम होते हैं वो रख दिए हैं। और ये हमारी स्टील की बाल्टी है जिसमें हम समर का पानी भर लेते हैं, और बाकी तो बोतल रखी हुई है जो कि फिल्टर का पानी आता है। और यहाँ पे हमने कुछ हैंगर पे कुकर के ढक्कन वगैरह जो वैसी बेसिक चीज़ें हैं वो टोटल लगा दी हैं। और यहाँ पे हमने सभी प्लास्टिक के डिब्बे लगा दिए हैं जो कि हम इनको स्टील के डिब्बों में कन्वर्ट करने वाले हैं कुछ टाइम बाद। तो मेरे हस्बैंड को प्लास्टिक के डिब्बे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनको बोलते हैं कम हो लेकिन स्टील हो, ज़्यादा बेटर रहती है किचन में। तो अभी तो हाल फिलहाल तो ये कुछ डिब्बे स्टील के हैं यहाँ पर, और अभी मैंने पहले बड़े बड़े सारे परचेज किए हैं, उसके बाद मैं इधर सारे छोटे डिब्बे परचेज करूँगी। तो जब भी करूँगी उसके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो और देखिए ये टाइल्स वगैरह हमने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, आई होप कि आपको दिख रहे हों। ये हमारी गैस रखी है जो कि यहाँ गैस के पास ही काफ़ी बड़ी विंडो है, तो जब भी हम खाना बनाते हैं ये विंडो हम पूरी ओपन कर लेते हैं ताकि अच्छे से रोशनी भी आती है और हवा भी आती है। और गैस हमेशा वहीं रखनी चाहिए जहाँ विंडो होती है, ये तो सभी जानते हैं। तो और ये हमारा वॉश बेसिन है, और इसके जस्ट नीचे हमने अपनी मिक्सी रख रखी है जिसका जब यूज़ होता है तो हम उसको स्लिप पर रख लेते हैं। तो ये हमारी मिक्सी है, और यहाँ पे कुछ सामान एक्स्ट्रा है वो मैंने साइड से रख दिया है, बोतल है तो इसी में शाम को पानी भर के आरो नहीं लगा हुआ है हमारे यहाँ ऑफिस। सबसे बड़ी बात लगा था जब हम आगरा में थे, लेकिन मकान जब शिफ्ट करते हैं तो बहुत सारा सामान हमारा बर्बाद हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ हमने अपने किचन का मेकओवर किया है, और मेहनत बहुत लगी है हमको किचन को क्लीन करने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर गंद टाइम लगता है तो वो किचन में ही लगता है। जो करते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ये ऊपर वाली जो स्लिप है इस पे मैंने एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है जो कि हमको डेली रोज़ में यूज़ नहीं करना होता, बहुत कम सामान रखा है हमने। तो दूर से कुछ इस तरीके से हमारी किचन लगती है। आई होप कि ये आपको भी हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, आपके लाइक से हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हमें भी कुछ करने की अंदर से इच्छा होती है। तो बस किचन से बाहर निकलते ही हमारे ये बाहर का कुछ इस तरह से व्यू है हमारे रूम का इस तरीके से। ओके बाय बाय।